ऋषभ पंत की वापसी पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। चलिए आपको बताते हैं क्या है वो अपडेट, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंत। दरअसल ऋषभ पंत की वापसी का इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं, उनके करोड़ों फैंस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत की टीम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। उनके एक्सीडेंट के बाद से उन्होंने कई मेजर इवेंट्स मिस करे, जिसमें सबसे पहला नाम आता आईपीएल 2023 का, उसके बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल, जहां पर पंत की कमी बहुत ज़्यादा हमें खली थी, क्योंकि जब विराट कोहली आउट हो गए थे उसके बाद लग रहा था अजिंक्य रहाणे के साथ देने वाला कोई भी बल्लेबाज नहीं बचा है। ऋषभ पंत ही थे जो हमें डब्ल्यूटीसी फाइनल वहां से जितवा सकते थे, क्योंकि सभी को उनकी वो गाबा वाली इनिंग्स याद ही होंगी, लेकिन वो उन्होंने मिस किया। उसके बाद एक मेजर इवेंट आया एशिया कप। एशिया कप भी ऋषभ पंत ने मिस करा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ठीक नहीं थे, वो रिकवरी पीरियड पे थे। उसके बाद अब वर्ल्ड कप में भी पंत का जलवा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो चार चार बड़े इवेंट्स ऋषभ पंत ने इस साल मिस करे। उनको लग रहा होगा कि उनका करियर थोड़ा सा धीमा हो गया है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी एक खिलाड़ी अपने करियर के उस पीक पर हो और तब उनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाए कि वो बिल्कुल उनका लाइफ थोड़ी सी पीछे हो जाए, तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। आपको याद होगा निकोलस पूरन का जब एक्सीडेंट हुआ था, तो उनकी लाइफ पीछे हो गई थी, उनका जो क्रिकेटिंग करियर है पीछे हो गया था। मतलब खिलाड़ी उस चीज़ से उभर जाता है, निकल जाता है, लेकिन वो जो टाइम वेस्ट होता है इसमें एक दो साल जितना भी उनको रिकवरी के लिए लगता है, वो टाइम फिर से वापस नहीं आ पाता, और यही चीज़ का रिग्रेट हम फैंस को ऋषभ पंत के लिए भी है। फिलहाल अपडेट ऋषभ पंत के बारे में ये है कि आप सुन रहे होंगे बाजारों में ऐसी हवा चल रही है, ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि ऋषभ पंत अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हमने खेलनी है उसमें वापसी करेंगे, जो कि जनवरी में होगी। उसके बाद इंग्लैंड के भी ऋषभ पंत आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड हमारे घर आ रही है टेस्ट मैचेस खेलने, बेसबॉल का जलवा दिखाने। लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले भी ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी के अगले सीजन में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ऐसा कंफर्म करा है डीडीसीए के जो मैनेजर है, डीडीसीए के जो डायरेक्टर है श्याम शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट रहेंगे, ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी में आपको पार्ट लेते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ उससे पहले ऋषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी में तो खेलेंगे, उससे पहले ऋषभ पंत आईपीएल 2024 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का जो कोलकाता में कैंप लगने वाला है 9 नवंबर से, उसमें भी पंत हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इट मींस ऋषभ पंत अब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने वाले हैं। नो मोर नेट प्रैक्टिस, नो मोर वहाँ एनसीए में प्रैक्टिस, बट अब ऋषभ पंत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलेंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है फैंस के लिए, क्योंकि एक बार अगर ऋषभ पंत मैदान में एंट्री कर जाए, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल जाए, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अब आप कमेंट्स करके बताइए पंत की वापसी पर ये बड़ी अपडेट कैसी लगी आपको।